हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब हर सिचुएशन होगी आपके कंट्रोल में। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम टेक्निक को तो करते रहते हैं, पर हमारी सिचुएशन में ना हमें कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आता और हमें ये लगता है कि हमारे लिए ना ये प्रोसेस वर्क नहीं कर रहा है, हमारे लिए कोई भी चीज़ें ना काम नहीं कर रही हैं। और इस केस में ना हम अपनी टेक्निक को तो करते रहते हैं, पर कहीं ना मन के अंदर वो एक खुशी वाली फीलिंग हमें फील नहीं होती है। अगर यही सारी सिचुएशन आपके साथ भी हो रही है ना, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जिसे आपको सुनना है, समझना है और गांठ मार लेनी है, ताकि आपको ये पता रहे कि आप अपने रास्ते पे सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो। दरअसल ना, जब भी ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है ना, तो आपको सबसे पहले एक बात को समझना है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, वो पास्ट की सारी नेगेटिव थॉट्स की वजह से ये रियलिटी में आ गई है। अब ये चीज़ रियलिटी में आ गई है तो ये चीज़ चेंज भी हो सकती है, और चेंज करना किसके हाथ में है? चेंज करना आपके हाथ में है। और आप इसे कैसे चेंज कर सकते हो? आप इसे तभी चेंज कर सकते हो जब आप अपने माइंड में उस चीज़ को देखोगे जिसे आप बदलना चाहते हो। क्योंकि जब हम अपने माइंड में अपनी रियलिटी को पिक्चर बनाकर देखते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, हम जिस विश को मांगना चाहते हैं वो हमारी लाइफ में आ चुकी है, तो क्या होता है ना कि हमारे माइंड को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि हम अपनी लाइफ में क्या चीज़ें पाना चाहते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये फीलिंग आएगी कि हमसे विजुअलाइजेशन सही तरीके से नहीं होता, तो इस केस में क्या हम दूसरी और टेक्निक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, पर अगर आप बहुत जल्दी अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो ना, तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने माइंड में बहुत हैप्पीनेस वाली फीलिंग, बहुत अच्छी चीज़ों को विजुअलाइज करो। क्योंकि विजुअलाइजेशन वाली चीज़ एक ऐसी चीज़ होती है ना, जिसकी वजह से ना आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो बदल जाता है। आपको सिचुएशन को चेंज करने जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज होगी। यहाँ पे मेरा कहने का बस ये मतलब है कि जब कोई चीज़ आपके पास आनी होती है ना, तो वो खुद ब खुद अपने आप ही आ जाती है। और जब कोई चीज़ आपके पास नहीं आनी होती, तब आपने कभी देखा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो फिर भी वो चीज़ आपसे दूर रहती है? तो आपको बस ये समझना है कि आपके हाथ में टेक्निक करना और माइंड में ना उस क्लियर पिक्चर को रखने की ज़रूरत है जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। सारी रियलिटी, सारी नेगेटिव सिचुएशन, सारी ऐसी परिस्थिति ना जो आपको अभी लग रहा है कि चेंज नहीं हो रही है, पर आप अपना काम अगर सही तरीके से करते रहे ना, तो वो सारी चीज़ें अपने आप ही चेंज होगी। आपको इस रियलिटी पर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस नेगेटिव सिचुएशन पर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस पहले वाले थॉट्स की वजह से मैनिफेस्ट हुई है। पर आज का जो थॉट है आपके माइंड में, वो भी तो मैनिफेस्ट होगा, बस आपको इसी बिलीव और होप के साथ ना पावरफुली अपनी टेक्निक को डन करते रहना है। सो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।